सो शुरू करते हैं क्विज। लेट्स सी आप में से कितने स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 को अच्छे तरीके से आंसर करने वाले हैं। चले सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। कम ऑन एवरीबॉडी गो फॉर इट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। भाई साहब जीपीपी और एनपीपी के रिलेशन में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो कम ऑन कुछ बच्चों ने आंसर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। कम ऑन एवरीबॉडी वेरी गुड वेरी गुड। ए इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। भाई जीपीपी हमेशा एनपीपी से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीपीपी माइनस रेस्पायरेटरी लॉस किसके बराबर था? एनपीपी के बराबर। और कुछ ना कुछ रेस्पिरेशन तो होती ही है, एनर्जी लॉस्ट होती ही है। ठीक है तो एन पी पी। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट मैच दी फॉलोइंग कीजिए। मैच कीजिए और करेक्ट स्पीशीज बताइए। कम ऑन कम ऑन। कम ऑन एवरीबॉडी क्वेश्चन नंबर 2। अरे वाह ये तो सिंपल था भाई, ये तो इतना डिफिकल्ट नहीं था है ना। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। वेरी गुड बहुत सही। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। इनमें से कौन सा जनरली इन्वर्टेड होता है? ये तो हमने अभी अभी पढ़ा भाई, बता दो इनमें से कौन सा जनरली इन्वर्टेड होता है बच्चों। कम ऑन वेरी गुड। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। ये बताइए निशे इज। निशे इज। चलो चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था बच्चों ये हमने। कम ऑन एवरीबॉडी निशे इज एंड द करेक्ट आंसर इज नो रुपेश यद्पि। बच्चे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वेरी गुड जसप्रीत शिवानी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ओके व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डेटा। आपको यहाँ पर कुछ डेटा गिवन है ठीक है, आप इसके आधार पर बताइए किस तरीके का क्या मिलेगा हमें इकोलॉजिकल पिरामिड। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं 10 ग्राम ठीक है, फिर यहाँ पर आ गए प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम एंड देन यहाँ पर आ गए सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम। सो क्या लगता है बच्चों किस प्रकार का इकोलॉजिकल पिरामिड बनेगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे वाह समझ गए प्यारे, बिल्कुल सही बात है इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा वो भी बायोमास का। चलो मैक्सिमम बायोमास इनमें से किसके पास होता है? मैक्सिमम बायोमास भाई जहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट आ रही है, जहाँ सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, जहाँ सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है वहीं का बायोमास ज़्यादा है, बता दो ज़रा। अरे वाह बहुत सही फॉरेस्ट इकोसिस्टम वेरी गुड। ये बताइए भाई साहब डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम है ना, यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। डीप सी हाइड्रो थर्मल वेंट यहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? बेटा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो केमिकल की प्रेजेंस में एक्टिविटी करेंगे। ठीक है चलो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपियर एज द पाइनियर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले कौन से आते हैं? सबसे पहले कौन से आते हैं? कम ऑन भाई पाइनियर ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे ना हमने। वेरी गुड शिवानी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लाइकेंस वेरी गुड। ये बताइए विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉप लैंड इकोसिस्टम। क्रॉप लैंड इकोसिस्टम की खासियत क्या है? कम ऑन निकू
crop land ecosystem. चलिए ये कुछ ही बच्चों को आता था लेकिन आंसर होगा लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी. वहां पर वैरायटी काफी सारी होंगी लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है. ये बताइए कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दी थी इकोसिस्टम. हु गेव द टर्म इकोसिस्टम बता दो बच्चों. कमॉन वेरी गुड एजी टेंसले वेरी गुड बहुत अच्छे. ये बताइए डीप ओशियनिक वाटर में मिलने वाले मोस्टली एनिमल्स क्या होते हैं. वो जो डीप ओशियनिक वाटर में मिलने वाले मोस्टली एनिमल्स हैं वो क्या होंगे. आपको पता है जो ऊपर रहने वाले एनिमल्स हैं जैसे मान लो फिशेस हैं वो छोटे छोटे फिशेस को खा रही हैं लेकिन जब उन्होंने उसको कैच किया तो कुछ मिस हो गया और वो नीचे भागते हुए चले गए. सो जो डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म नीचे चले जाते हैं ना वो सभी ऑर्गेनिज्म्स कौन खाएगा उनको. नीचे रहने वाले डीप सी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म तो वो क्या होंगे बच्चों डेट्रिटिवोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 बताइए. ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है बच्चों. इकोलॉजिकल सक्सेशन में कम ऑन हरी अप. क्वेश्चन नंबर 12 नो बेटा कुछ बच्चे बी कह रहे हैं. बेटा एक बात सोचो पाइनियर थोड़ी होती है जो नियरली इक्विलिब्रियम पे होती है तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है तो गलत हो गया ना. करेक्ट आंसर है सी ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन स्पीशीज कंपोजिशन. ये बताइए करेक्ट कॉम्बिनेशन किसका है इनमें से. करेक्ट कॉम्बिनेशन किसका है बच्चों. कम ऑन और सही उत्तर देते हुए कुछ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं. दैट इज सी वेरी गुड. मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम क्या कहते हैं उसको. मैंने आपको दो चीजें समझाई थी. एक मैंने बोला था बायोमास और दूसरा बोला था न्यूट्रिएंट है ना. सो एक ट्रॉपिक लेवल पर एक स्पेसिफिक टाइम पर जो लिविंग मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों. बहुत बढ़िया स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या था न्यूट्रिएंट्स. चले बेटा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज क्या कहलाएंगी बता दो फटाफट से. कम ऑन कम ऑन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. वर्टिकल भाई हर्ब्स आते हैं श्रब्स आती हैं याद है तो वो क्या था स्ट्रेटिफिकेशन. वेरी गुड. सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस इन बच्चों. सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पर होती है बताइए. कम ऑन वेरी गुड. सिर्फ रुपेश ने करेक्ट आंसर दिया. बेटा डिग्रेडेड फॉरेस्ट में बाकी सारे एग्जाम्पल है प्राइमरी सक्सेशन के क्योंकि वहां पर सॉइल अवेलेबल नहीं है. चलिए मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स इन पेड़ों पर लटके हुए रहने वाले होते हैं. कहाँ पर ट्री ड्वेलर्स. कम ऑन हाँ जी बच्चों विच वन इज करेक्ट. चलिए द करेक्ट आंसर इज बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है नेक्स्ट. इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये बताइए. फोटोसिंथेसिस के दौरान
जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। चलिए मैच द फॉलोइंग कीजिए और बताइए सही उत्तर क्या है। कम ऑन मैच द फॉलोइंग। ओके ओके वेरी गुड, दिस वन इज ईजी भाई, ये तो जल्दी जल्दी रिप्लाई करना चाहिए आपको। बहुत बढ़िया, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अर्थवॉर्म यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेट्रिटिव वॉर। सक्सेशन किससे रिलेटेड है? पाइनियर स्पीशीज। इको सिस्टम सर्विस पॉलिनेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ नेटालिटी। वन यहाँ पर चाहिए, टू वन फोर और थ्री। चलिए नेक्स्ट, ये आपको यहाँ पर किसी चीज़ का मॉडल दिया हुआ है ना, दैट इज फॉस्फोरस साइक्लिंग, इसको देखिए और सही उत्तर बताइए। चलो ये क्या है बच्चों, ये ए क्या है? ये बता दिया तो सब बता दिया, दिस इज डेट्रिटस, वेरी गुड। ये बताइए यहाँ पर 20 जूल एनर्जी है जो कि प्रोड्यूसर लेवल पर ट्रैप की गई है, सो कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी पिकॉक के लिए? चलो ये आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। कम ऑन बच्चों, लेट्स सी कौन बताने वाला है। कम ऑन एवरीबॉडी, गो फॉर इट। यस बेटा, व्हिच वन इज करेक्ट? लुक एट दिस, लुक एट दिस, यहां पर 20 जूल एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है? तो बेटा माइस के पास इसका 10% जाने वाला है, तो इसका 10% हो जाएगा 2, फिर इसका भी 10% जाने वाला है यानी कि 0.2, है ना? फिर इसका भी 10% आगे जाने वाला है यानी कि 0.02, ठीक है? यही आपसे पूछा गया था कि पिकॉक यानी कि मोर के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी, राइट? चलिए बेटा फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वर क्या होता है बता दो, चलो फटाफट से। फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वियर क्या होता है? चले अरे वाह, इसका आंसर फटाफट से आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। भैया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किससे रिलेटेड है बच्चों? कम ऑन, वेरी गुड रॉबर्ट, कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, करेक्टली डिस्क्राइब्ड कौन सा इनमें से डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में से बताइए, करेक्टली डिस्क्राइब्ड। कम ऑन टैलेंट सिंह, रंजिता, लवली ए टू, बेटा पढ़ लो, बहुत अच्छे विजेता, वेरी गुड। नो बच्चों, बी नहीं, करेक्ट आंसर है सी, फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म। बी इसलिए गलत है क्योंकि लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स राइज अप टू द टॉप लेयर, ये गलत है, वो डीप इनसाइड द सॉइल जाते हैं, ठीक है? चलो ये देखो, विच टू डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन एज डाई नाइट्रोजन गैस। बताइए कौन से वो प्रोसेसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डाई नाइट्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए, बता दो फटाफट से। कम ऑन एवरीबॉडी,
चलिए, वेरी गुड. करेक्ट आंसर है डी, एनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा प्राइमरी कंज्यूमर है मेज फील्ड में, बताओ. प्राइमरी कंज्यूमर, बच्चों प्राइमरी कंज्यूमर. भाई घास को खाने वाला कौन है, वही तो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ग्रास हॉपर. चलो, जब एक आदमी खा रहा है मच्छी को जो कि जू प्लैंकटॉन्स पर फीड करती है, जिसने छोटे छोटे प्लांट्स को खाया है, द प्रोड्यूसर इन दिस चेन इज, बताइए प्रोड्यूसर कौन है इस चेन में. बेटा थ्री मोर क्वेश्चंस. कम ऑन, वेरी गुड. प्रोड्यूसर्स हैं स्मॉल प्लांट्स, बहुत बढ़िया. इनमें से कौन सा गैसियस बायो जियोकेमिकल साइकिल नहीं है, यस बच्चों आज 30 क्वेश्चंस हैं. बेटा सल्फर गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, तो यहां पर बेस्ट आंसर होगा फॉस्फोरस. ठीक है, चलिए सेडिमेंट में पढ़ा था आपने वो. यहाँ पर ये ए लिंक क्या है, ए क्या हो सकता है बच्चों, ए कम ऑन. बताइए विच वन इज करेक्ट. भाई फ्रॉग को रैबिट तो खाएगा नहीं, ना पैरट खाएगा, और अगर वुल्फ खाता भी तो वुल्फ को ईगल नहीं खा रहा है, तो ईगल किसको खा रहा है, कोबरा को. दिस वन इज करेक्ट. ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है. इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं अबाउट सर्टेन ऑर्गेनिजम्स एट सम ऑफ द डिफरेंट लेवल्स, बताइए. कम ऑन एवरीबडी, गो फॉर इट. अच्छे से पढ़िए और फिर बताइए. वेरी गुड, कुछ बच्चों को सही उत्तर पता था, दैट इज ए. लेवल प्राइमरी कंज्यूमर इज इंसेक्ट्स एंड लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर इज स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड. ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में दे रखे हैं यार 500, फिर कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल. अब आप लोग चैप्टर नंबर